वैसे मोंटू बॉस, अगर ये पट्टी आप हाथों की जगह मुंह पे बांध लेते ना तो दोबारा आपके बेकार के आइडियाज नहीं सुनने पड़ते। चुप। वैसे आप लेकर कहाँ जा रहे हो? उस मम्मी ने मेरा मोनिका के सामने सारा इम्प्रेशन खराब कर दिया। मैंने तो कराटे की ट्रिक भी ट्राई की, वो ट्रिक भी उल्टी मुझ पर ही कर दी। मतलब बस उसमें नई बात कौन सी है? आपका इम्प्रेशन तो पूरे स्कूल के सामने खराब है। मोनिका की बात ही अलग है, समझा? मैं उस मम्मी से ही मोनिका को इम्प्रेस करूंगा। फोन निकाल। लास्ट का नंबर डायल कर। कान को लगा। मेरे ओके। हेलो, आ जाओ। कट कर। हेलो। पैसे निकाल। हाँ हाँ हाँ। दे इनको। आपको जो काम बताया वो हो जाना चाहिए, समझे? हो जाए। जा, इनको तैयार करके लेके आ। ओके बस। चलो भाई। अब मैं इस आदमी को झूठ मूठ का मारकर मोनिका के सामने हीरो बन जाऊंगा। बालसखी, तुम ठीक तो हो ना बालसखी? हाँ मैं ठीक हूँ, बस मैं उस मम्मी के बारे में सोच रही थी। तुम इतना टेंशन मत लो बालसखी, अगर तुम दोनों मेरे साथ रहोगे तो मम्मी यहाँ पे आने की सोचेगी भी नहीं। नहीं माना, हमें अपने दुश्मन को कम नहीं आंकना चाहिए, उन्हें तुम्हारी जरूरत है और इसलिए वो हर हाल में तुम्हें पाने की कोशिश करेगा। तुम्हें याद नहीं है रानी परी ने क्या कहा था? हम उसे इतनी आसानी से समाप्त नहीं कर सकते, हमें सावधान रहना होगा। ये बात मुझे हो क्या रहा है? मैं मानव और बालवीर को बताती हूँ। नहीं, पहले ही ये मम्मी को लेकर परेशान है, मेरे बारे में जानकर और परेशान हो जाएंगे। मैं बाद में बताती हूँ। क्या कर रहे हो यार, कितना बांधोगे? अरे अभी पूरा बंधेगा, सर से लेके पाँव तक पूरा मम्मी बनाना है। क्या सर से पाँव तक? ये समोसे नहीं होगा। आपको पैसे दिए है ना? पैसे दिए तो क्या हो गया, इतने पैसे में काम नहीं होता, इसके डबल पैसे लगेंगे। अच्छा ठीक है, मैं अभी मोंटू बॉस के पास जाता हूँ और थोड़े ज्यादा पैसे लेके आता हूँ, तू यही रुकना। हाँ तो ठीक है, जल्दी जाओ। यही रुकना। आ जाओ। क्या यार मुसीबत है। हाय मोनिका। मोनिका तुम्हें कोई परेशान तो नहीं करता ना? उसकी क्या जरूरत है, तुम जाओ। अब तक जो हुआ तो हुआ, पर नेक्स्ट टाइम किसी ने तुम्हें परेशान किया ना तो तुम मुझे बताना। बल्कि अगर वो मम्मी भी आए ना तो उसे इतना पीटूंगा, इतना पीटूंगा कि उस मम्मी को उसकी मम्मी याद आ जाएगी। मम्मी भागो, मम्मी। वाह, रोहित ने तो इसको सेम टू सेम मम्मी की तरह बनाकर लाया। कैसे बेवकूफ बन गए सब लोग। मोनिका, यू डोंट वरी, मैं हूं ना। वाह, सुनो, आपको मार खाना है थोड़ा लगेगा भी, उसके लिए सॉरी, पर एक्टिंग करना, बहुत जोर जोर की आवाजें निकालना ताकि लोगों को लगे कि मैं आपको धो 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 रहा हूँ, समझे? चलो। क्या कर रहा है? मारने के मजे। बस
अरे मोंडवास या नीचे लेटे लेटे क्या कर रहे हो? अरे मार क्या रहा हूँ, दिखाई नहीं देता। तुझे भी खाना है? नहीं नहीं मोंडवास, ठीक है ना, आज मेरे डाइटिंग का प्लान। अच्छा सुनो, वो मम्मी और पैसे मांग रही है यार। अरे तो उसको बोल ले लेना, और उसके पहले क्यों इतना मार रहा है? मार रहा है? अरे क्या बोल रहे हो मोंडवास, अभी तो पूरी रेडी भी नहीं हुई है, उधर खड़ा करके आया उसको। हाँ तो वो कौन है? कहीं ये असली मम्मी तो नहीं? अरे ये असली मम्मी है, भागो। रोहित, लगता है बच्चे खतरे में, हम मुझे मदद के लिए पुकार रहे हैं। कहीं उस मम्मी ने मानव के ना मिलने पर दूसरे बच्चों पे वार तो नहीं कर दिया? बालसखी, तुम यही मानव के पास रुको, मैं बच्चों की मदद करके आता हूँ। तुम कौन हो? मैं वही हूँ जो तुम्हें कल लेने के लिए आया था। कल बस मैं अपने मम्मी वाले रूप में था, और अब मैं अपने उस रूप में हूँ जिसे तूने मुझसे छीना था। गौर से देख, मेरे इसी रूप में तूने मुझे खत्म किया था, और आज तू ही मुझे मेरा जीवन लौटाएगा। पहले मुझसे तो निपट लो। ये तेरी नहीं बल्कि मेरी बात सुनेगी, क्योंकि तेरी रक्षक अब मेरी गुलाम हो गई है। अब तुझे कौन बचाएगा फैरो राजकुमार? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देख इसके हाथ में ये निशान, मेरे दिए हुए जख्म से इसके अंदर में रक्त का अंश चला गया है, इसलिए अब ये मेरी गुलाम है। बताओ इसे कि तुम मेरी गुलाम। हाँ, मैं महान पैरो योद्धा की गुलाम हूँ, और यही सच, और वो जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें समाप्त कर दूंगा। महान फैरो योद्धा को समाप्त करने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें समाप्त कर दूंगी। बालू जी, देखिए ना इस मम्मी को, इस मम्मी ने मुझे बहुत मारा है। चिंता मत करो मोंटू, मैं तुम सबको कुछ नहीं होने दूंगा। जाओ। ये मम्मी इतनी आसानी से कैसे समाप्त हो गई? रानी परी ने तो कहा था कि इसका अंत होना असंभव है।
जरूर कुछ गड़बड़ है। इसे कहते हैं सुपर हीरो। और मैं तुम सुपर हीरो। बालसखी उसको मार करो, उसे समाप्त कर दो जल्दी। मानव खतरे में, इसका मतलब वो मम्मी असली नहीं थी। इस समय तुम्हारी बाल सखी नहीं, मेरी गुलाम है। अभी तो मैं अपने मम्मी वाले रूप से सिर्फ फेरो योद्धा के रूप में आया हूँ, लेकिन जल्दी इस बच्चे की मदद से मैं अपने लिए अमृतांश पाकर अपना जीवन भी पालूंगा। तो तुम वही मम्मी हो जो कल मानो को लेने आई थी। सही पहचाना बालवीर, लेकिन यहाँ आकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। कि मैं नहीं तुम कर रही हो बालसखी, होश में आओ और देखो तुम्हारा दुश्मन मैं नहीं वो है। लेकर जाइए, मैं बालवीर को रोकती हूँ। बालसखी बुरी तरह इसके वश में और इसलिए उसे इस समय समझाना बेकार है। मुझे मुझे इस समय मानव की सुरक्षा के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि जब तक इसे मानव नहीं मिलेगा ये बालसखी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। नहीं बचा पाओगे। बालवीर, मानव, जब तक फेरो योद्धा का अंत नहीं हो जाता बालसखी उसी के वश में रहेगी। और फेरो योद्धा का अंत नहीं हो सकता क्योंकि वो पहले ही मृत है। तो क्या हमेशा के लिए मेरी बहन उनके साथ रहेगी? मानव देखो, मुझे कुछ नहीं सुनना है बालवीर। नहीं डरता मैं उस फेरो योद्धा से, मैं उसके पास जाऊंगा और अपनी बहन को वापस लेकर आऊंगा। हम सब भी यही चाहते हैं मानव, कि मेहर जल्द से जल्द हमारे पास वापस आ जाए, लेकिन ये समय जोश के साथ होश में रहने का है मानव। नहीं भटकाती परी, मैं अपनी बहन को एक पल के लिए भी उसके साथ नहीं रहने दे सकता। अगर उसे पता चल गया कि वो मेहर है तो फिर उसे चोट पहुंचा सकता है। हाँ रानी परी, मेहर सचमुच इस समय बहुत बड़े खतरे में, और आपको फेरो योद्धा को समाप्त करने के लिए कोई ना कोई उपाय निकालना होगा। नहीं विचार परी, इस समय हमारे पास ऐसा कोई भी उपाय नहीं है जिससे हम फेरो योद्धा का अंत कर सके। नहीं रानी परी, वो समाप्त हो सकता है। कैसे बालवीर? फेरो योद्धा पहले से ही मृत है और इसीलिए उसे दोबारा मारा नहीं जा सकता, लेकिन अगर वो वापस जीवित हो जाए तो हम उस फेरो योद्धा का अंत कर सकते हैं ना? लेकिन ये इतना आसान नहीं है बालवीर। उसके लिए मानव को उस फेरो योद्धा के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि सिर्फ मानव ही उस अमृत अंश तक पहुंचकर उस फेरो को जीवित कर सकता है। और एक बार वो जीवित हो गए तो वो मानव को चोट भी पहुंचा सकते हैं। इसका हल है हमारे पास। हाँ परियो, मानव, जब आप उस फेरो योद्धा के पास अमृत अंश देने जाएंगे तब आप उसके पास पड़े उस शक्तिशाली खंजर को चुरा लीजिएगा जिससे आपने उसका पहली बार अंत किया था, क्योंकि उसी शक्तिशाली खंजर से उस फेरो योद्धा का अंत किया जा सकता है। पिछले जन्म में आपने उसे मारा था और इसीलिए वो आपके पीछे पड़ा है। लेकिन लेकिन क्या रानी परी? लेकिन उससे भी एक जरूरी बात है कि जब उस शक्तिशाली खंजर से वार किया जाए तब पृथ्वी लोक पर सूर्य ग्रहण होना चाहिए। लेकिन रानी परी,
दुश्मन को लगने में तो अभी कई महीनों का समय है। और इसका मतलब ये कि तब तक उसका अंत करना असंभव है। मैं इस असंभव कार्य को मैं संभव करके ही रहूंगा। अब ये मेरी गुलाम है। अरे उठाओ अपना पैर, नहीं तो मैं उठ जाऊंगा। ये तो और भी अच्छी बात है फैरो योद्धा, क्योंकि इससे हमारा दुश्मन बालवीर कमजोर होगा। और जब बालसखी यहाँ है तो इसके साथी बालवीर और बाल मित्र को यहाँ आना ही होगा। ओ शातिर परी, मत आ जाओ इतने जल्दी जोश में, क्योंकि है लगता मुझे ये कोई बालवीर का ही षड्यंत्र है। वरना ऐसे कैसे बन गई है गुलाम अचानक से? मैं फैरो योद्धा की गुलाम हूँ और यही सच है। मानू कैसे मैं क्या हो तुम गुलाम? अभी अभी कर दूंगा साबित कि है ये कौन और है क्यों आई है यहाँ। जो भी अब हमारे साथ। और अब हमें सबसे पहले यह पता लगाना चाहिए कि यह बच्चा मानव कहां छुपा है, ताकि जल्द से जल्द उससे अमृत अंश पाकर मैं जीवित हो सकूं और पूरी शक्ति के साथ पूरी धरती को नष्ट कर सकूं और फिर से यहां पे अपना फेरो साम्राज्य स्थापित कर सकूं। खुश रहो दोस्तों, खुश रहो दोस्तों। थाने महाराष्ट्र से रमेश हाशमी, खाना पंजाब से बबलू कुमार, पटना बिहार से सानिया कुमारी, अहमदाबाद गुजरात से मिलोनी मधवानी, हिम्मतनगर गुजरात से पार सुथरिया, सीतापुर यूपी से आदित्य मौर्य और ससाराम बिहार से नाजेश राजा ने हमें लिखकर बताया कि किस तरह वो हमेशा बुजुर्गों को सड़क पार करने में मदद करते हैं और हमेशा बड़ों का आदर भी करते हैं। बहुत अच्छे बच्चों, आप सभी के ऐसे अच्छे काम के लिए आपको भी मिलता है मैं भी बालवीर भाई। चलिए दोस्तों देखते आज का खास पत्र जिसे हमें लिखकर भेजा है पूना महाराष्ट्र से आर्या खाड़े ने। दोस्तों आर्या ने हमें लिखकर बताया कि इनकी सोसाइटी में वृक्षरोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया था, तो उन्होंने वहाँ पर कई सारे पेड़ पौधे लगाए और पर्यावरण की संरक्षण में अपना पूरा योगदान दिया। बहुत अच्छा आर्या, आपके इसी अच्छे काम के लिए आपको भी मिलता है मैं भी बालवीर बैठ। तो दोस्तों अगर आर्या की ही तरह आपने भी किया है कोई अच्छा काम या फिर किया किसी की मदद तो हमें लिख कर भेजिए इस पते पर या फिर लॉग ऑन कीजिए सब टीवी.com पर, क्योंकि अब हर बच्चा बनेगा